हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, यहाँ पर क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है मेरी सुबह की, और आप सभी को पता है मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद क्लीनिंग करने स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि ये ड्यूटी चले जाते हैं, ब्रेकफास्ट हमारा हो जाता है, उसके बाद मेरी क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। वैसे बच्चे स्कूल जाने के बाद क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ मैं, बट आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों को छुट्टी है कोरोना वायरस की वजह से। आपके यहाँ पे छुट्टी लग गई है बच्चों की या नहीं लगी है ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। तो हमारे यहाँ पे तो 31 मार्च तक छुट्टी दे रखी है स्कूल कॉलेजेस और क्या बोलते हैं तो मॉल वगैरह को। आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि मॉल वगैरह बंदने की है क्या अभी तक आप लोगों के यहाँ पे, तो अभी मॉल बंद कर दिए गए हैं, मतलब अभी मॉल बंद कर रहे हैं वो लोग। तो थोड़ा थोड़ा मतलब अभी यहाँ पर हो रहा है स्टार्ट, यहाँ पर ना बंद हो रहा है सारी चीज़ें, तो अभी तक तो नहीं हुए थे, आज से ही मतलब आज से ही मुझे सुनाई दे रहा है कि आज से बंद कर दिया गया है। एक्चुअली आज मेरी जिम को भी छुट्टी है, मतलब आज से मेरी जिम को भी छुट्टी लग गई, तो इसी वजह से आज तो मैं जिम गई। अभी पता नहीं कितने दिनों का जिम को छुट्टी है और पता नहीं कितने दिनों तक ये मॉल वगैरह भी ये सारी चीज़ें बंद रहेगी, तो ये तो पता नहीं। आई थिंक 31 मार्च तक सुनाई दे रहा है, 31 मार्च तक ही करेंगे वो, बट हो सकता है उससे आगे भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से बच्चों की तो छुट्टी थी, तो मैं घर पे, पहले बच्चे तो घर पे ही थे, माही भी घर पे ही थी, अद्विक भी घर पे था। अद्विक तो एक्चुअली 2 घंटे के लिए स्कूल जाता है, मतलब उसकी तो 2 घंटे के लिए स्कूल रहती है, और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि अद्विक कौन से स्कूल में है, मतलब कौन से क्लास में है, तो अद्विक प्ले ग्रुप में है। वैसे भी प्ले ग्रुप वालों को छुट्टियाँ ज़्यादा रहती है और स्कूल कम रहती है उनकी, बट फिर भी वो जाता है स्कूल और अच्छे से, मतलब उसको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट है, मतलब उसमें इंटरेस्ट है स्कूल जाने में, बट यहाँ पर वो मस्ती करते रहता है हमेशा। अब जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ, अब देखो आप अभी मतलब बीच बीच में करते रहता है, और कभी तो बंद भी कर देता है, कभी कभी बहुत बार बंद कर देता है, तो मुझे स्टार्ट करना पड़ता है हमेशा ऐसे ही। उसे बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ क्लीनिंग के टाइम पे मस्ती करना, तो वो ऐसे ही मस्ती करते रहता है, मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, और बस इस तरह से मेरी क्लीनिंग हो रही है सुबह की। और ये क्लीनिंग हो जाने के बाद मेरा ऐसे ही होता है, यही रूटीन है, आप लोगों ने देखा ही है मेरा क्लीनिंग रूटीन, तो यही रूटीन है। बस क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद पोछा करूँगी, मतलब ये पहले वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर लूँगी, उसके बाद पोछा वगैरह करूँगी। और जिस दिन बच्चों को छुट्टी रहती है, मतलब दोनों को भी, तो उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ये दोनों भी, दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और मेरा टाइम उसी में चला जाता है, तो इसी वजह से मैं मतलब सारी चीज़ें लेट लेट होती है, सारे काम लेट लेट होते हैं। बच्चों घर पर रहता है तो उनको ब्रेकफास्ट देना, उनको खिलाना, ये वो, जैसे ये लोग स्कूल जाते हैं तो टिफ़िन वगैरह दे देते हो तो वहाँ पर वो खा लेते हैं, यहाँ पर घर पे फिर ज़्यादा के काम बढ़ा देते हैं। एक्चुअली मेरी सुबह की क्लीनिंग थोड़ी सी हो गई थी पहले ही, बट इन्होंने ना ब्रेकफास्ट करने के बाद बहुत सारा काम बढ़ा दिया था मेरा, मतलब अद्विक ने, एक्चुअली माही तो इतना नहीं करती है, बट अद्विक ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ा देता है। छोटे बच्चे होते हैं तो ऐसे ही होता है, आपके यहाँ पे भी छोटे बच्चे होंगे तो ऐसे ही करते होंगे, मतलब कितनी बार झाड़ू मारना पड़ता होगा और कितनी बार आपको बेड ठीक करना पड़ता होगा। यहाँ पर मैंने बेड ठीक किया था, बट देखो सिलवटे गिरी जाती है उस पर, मतलब अद्विक पूरा नाचता है उस पे बेडशीट पे, तो इसी वजह से यहाँ देखिए मैंने पूरा अच्छे से क्लीन किया था, बट अद्विक ना कितनी बार गंदा करता है और घर भी बहुत बार गंदा करता है, पूरे जो भी खाता है वो गिराता रहता है, गिराता रहता है, तो इसी वजह से मुझे कितनी बार क्लीन करना पड़ता है वो मुझे ही पता है। और जिनके यहाँ पे बच्चे होते हैं छोटे, तो उनको तो पता ही होगा, ये कोई नई बात नहीं होती है उनके लिए, तो मतलब जितना भी क्लीन करो उतना कम ही है बच्चों के घर में। बट मेरा ऐसा है ना कि मुझे ना मतलब थोड़ा सा भी गंदगी दिख जाती है ना नीचे, तो मेरा ऐसा होता है कि मैं हाथ में झाड़ू ले लेती हूँ या तो पोछा ले लेती हूँ, मुझे कुछ भी दिख जाता है, थोड़ा सा दाग भी गिर जाते हैं ना तो वो कर ही लेती हूँ मैं, तो इसी वजह से मुझे न, मतलब थोड़ा सा जो फ्लोर है वो क्लीन चाहिए मुझे सिर्फ, यही है, तो हमेशा हमेशा क्लीन करती रहती हूँ। इसी वजह से ही वो सिर्फ मैंने पोछा मारना रह गया था मेरा, झाड़ू तो मार लिया था मैंने, बट झाड़ू मुझे दोबारा मारना पड़ा था, तो क्योंकि इन लोगों ने जब ब्रेकफास्ट किया था ना तो एक जगह पर नहीं रहते हैं, एक जगह पे बैठ के ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, अद्विक तो बिल्कुल एक जगह पे बैठ के ब्रेकफास्ट नहीं करता है, सारे घर में घूमता रहता है, और सारे घर में जो चम्मच से नीचे गिरता है ना उसके, तो वही मुझे पूरा फिर बाद में उठाना पड़ता है। तो इसी तरह से फिर मैंने दोबारा ये झाड़ू मारा था, मतलब झाड़ू में वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर लिया था, और फिर उसके बाद ये पोछा मार रही हूँ, तो पोछा मैं एक ही बार मार रही हूँ, मतलब पहली बार ही मार रही हूँ, बट झाड़ू मुझे मेरा 2 बार हो गया था। ये हो जाने के बाद लंच की तैयारी करूँगी,
तो लंच में ना एक्चुअली आजकल रोटियां पता नहीं क्यों ज़्यादा बज रही है मेरी, क्योंकि कल भी मैंने खाना नहीं खाया था, आप लोगों को पता ही है, कल पार्लर गई थी तो दोपहर में खाना नहीं खाया था, फिर वैसे ही रोटियां बची थी, तो मतलब मेरे हिस्से की भी बची थी और बच्चों के हिस्से की ज़्यादा बना के रख दे रही हूँ मैं आजकल। मतलब बच्चे घर पर रह रहे हैं तो कभी भी भूख लग जाती है और कभी भी उनको खाने के लिए वो मांगते हैं, तो इस वजह से। बट उनका क्या है कि कभी कभी पैकेट वाली चीज़ें खा लेते हैं तो फिर भूख नहीं लगती, तो ऐसे कुछ करते हैं, तो वो रोटियां बची जा रही है। तो इनको तो पता है आप लोगों को कि रोटी का चूड़ा ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा चलो आज भी रोटी का चूड़ा बना लेती हूँ। और उस दिन मैंने आपको रोटी का चूड़ा खाते हुए दिखाया था, तो उसमें किसी ने मुझे रोटी के चूड़े की रिक्वेस्ट की थी, मतलब रेसिपी की, तो इसी वजह से मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ रोटी का चूड़ा कैसे बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था, जीरा और राई डाल दी थी तेल में, और वो चटकने के बाद मैंने प्याज डाल दिया था, उसके बाद मैं मसाले डाल दिए थे मैंने, मतलब लाल मिर्च और हल्दी और धनिया पाउडर डाल दिया था, और उसके बाद जो आलू काट के रखे थे वो डाल दिए हैं, और आलू बॉईल मतलब आलू को गलने तक हमें ढके रख देना है, आलू गलने तक ढक के रख देंगे, और उसके बाद हमें मतलब उसमें जो रोटी का चूड़ा है, मतलब रोटी का जो चूरा बना के रखा है, रोटियाँ मैंने मिक्सी में पीस ली थी, अच्छे से बारीक मिक्सी में पीस ली थी, और इसके साथ ना दही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब जो तड़के वाला दही होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसके साथ खाने में, मतलब टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, मतलब आप ये कॉम्बिनेशन खा के देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर दही बना रही हूँ, दही मैंने फेंट लिया है मतलब पहले, और उसमें मैंने चीनी ऐड की है थोड़ी सी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और नमक ऐड किया है और काला नमक ऐड किया है, ये तीनों चीज़ें ऐड करके अच्छे से दही को फेंट लूँगी, और यहाँ पर मैं बीच बीच में जो आलू है वो पके हैं या नहीं पके हैं वो भी चेक कर रही हूँ। तो इसको तड़का लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा तेल ऐड किया है, तेल में जीरा और राई ऐड की है और उसमें हरी मिर्च ऐड कर दी है, और हमारा तड़का जो है वो रेडी हो चुका है, तो तड़का हम लोग उसमें दही में ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा तड़के वाला दही रेडी, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है रोटी के चूरे के साथ, और आप खा के देखना ये वाला कॉम्बिनेशन, आप सच में बोलोगे कि सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और रोटी का चूड़ा ना सच में कोई भी अगर बनाया हो ना रोटी का चूड़ा, तो रोटी का चूड़ा किसी के भी यहाँ पे, मुझे तो लगता है सभी के यहाँ पे पसंद आता होगा। तो यहाँ पर मैंने रोटी का जो चूरा बना के रखा था वो मैंने उसमें ऐड कर दिया है, मतलब मसाले में, और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है ऊपर से, थोड़ा सा नमक ध्यान से ही ऐड करना है आप, नहीं तो ज़्यादा नमक हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जब रोटी बनाते हैं उस टाइम आटे में भी नमक ऐड करते हैं। थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी है थोड़ा टेस्ट के लिए, टेस्ट बढ़ जाती है चीनी से, आप लोग ट्राई करके देखना बहुत ही अच्छी टेस्ट आ जाती है, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि ये बिल्कुल गले में ना फंसे इसी वजह से। तो बस इसे ढक के रख देना है, स्टीम आने के लिए छोड़ देना है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मुझे हेयर कट कराने जाना है कल, मतलब आज जैसे, तो आज हेयर कट कराना है और हेयर वॉश भी करना है, तो हेयर वॉश करने के लिए जाऊंगी, और अभी देख सकते हो आप कलर कैसा लग रहा है, माही अच्छा लग रहा है क्या? तो माही को अच्छा लग रहा है, तो अभी हेयर वॉश करने जाऊंगी, काफ़ी लेट हो चुका है, 7:30 बज गया, फिर भी अभी जाना पड़ेगा। अच्छा सा एक हेयर कट करा के आऊँगी, आप न्यू लुक देख लेना कि कैसे लगेगा। तो चलिए फिर अभी जाती हूँ जल्दी से, चलो मम्मी आते हैं, चलो बाय बाय।
यहाँ पर आने के बाद ना मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा था, क्योंकि मैं आज भैया को कॉल करके नहीं आई थी। वैसे हमेशा भैया को कॉल कर देती हूँ आने के लिए, मतलब आर यू करके, तो भैया को कॉल करके नहीं आई थी, तो ऑलरेडी लेट हो चुका था। 7 बज गए थे घर से निकलने के लिए शाम के, और मैं आई यहाँ पे तो कस्टमर चल रहे थे उनके, तो इसी वजह से उन्होंने थोड़ी देर वेट करने के लिए बोला। फिर उनको लगा कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, तो उन्होंने इस भैया को बोल दिया था कि हेयर वॉश कर दो, तो इसी वजह से ये भैया मेरे हेयर वॉश कर दे रहे हैं, फिर वो करेंगे जो कुछ करना है। तो यहाँ पर हेयर वॉश हो रहा है, और जो पर्टिकुलर शैम्पू यूज़ करते हैं, मतलब इसके लिए कैरेटिन का जो शैम्पू होता है वही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हाफ बालों में कैरेटिन किया हुआ है, तो इसी वजह से वो कैरेटिन का शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। और बस थोड़ा सा वो कंडीशनर लगा के छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर हेयर ड्राई करेंगे। यहाँ पर आ गए थे ये वाले भैया, एक्चुअली उनका दूसरे कस्टमर का, सॉरी, वो स्पा चल रहा था, तो इसी वजह से उन्होंने क्रीम लगा के वो वाले कस्टमर को क्रीम लगा के छोड़ दिया था, तो मेरे पास आ गए थे ये वाला, मतलब उनके हाथों से ही हेयर कट करना था मुझे, तो इसी वजह से वो यहाँ पर आ गए थे। ड्रायर से जो हेयर है वो ड्राई करने के लिए आ गए थे, ड्रायर से हेयर ड्राई कर लेंगे पहले, और उसके बाद मेरा हेयर कट करेंगे। तो एक्चुअली वो बोल रहे थे कि मुझे ना कुछ नया लुक चाहिए था, बट वो बोल रहे थे कि अगर पीछे से कुछ अलग सा देंगे तो जो कलर है उसका लुक चला जाएगा। तो जो पीछे पीछे का जो हेयर कट है वो तो आप ज़्यादा, मतलब उसको कुछ छेड़ना मत, क्योंकि जो अभी है वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, नीड नहीं लग रही है उनको, ऐसा बोल रहे थे। तो इसी वजह से उन्होंने ना बिल्कुल बिल्कुल ट्रिम जैसे किए हैं नीचे से। अभी ना बालों की लेंथ भी काफ़ी बड़ी हुई लग रही है, क्योंकि ऐसे कुछ ट्रीटमेंट कराते हैं ना, तो थोड़ा सा लेंथ ऐसे बड़ी बड़ी सी दिखती है, स्ट्रेट हो जाते हैं ना हेयर, तो इसी वजह से। तो वो पहले ब्लो ड्राई कर लेंगे हेयर्स को, और उसके बाद हेयर कट करेंगे। तो एक्चुअली किसी ने मुझे वो बोला है कि आप छोटे हेयर्स रखो, मतलब बॉब कट करो, बॉब कट करो, बट यार मैंने इतने मेहनत से बाल बढ़ाया है, मैं कैसे काट लूँ। तो मुझे ना बहुत लंबे बाल बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे, और मैंने बहुत मेहनत से बढ़ाए हैं। आप लोगों को पता होगा, अगर आप बाल बढ़ा रहे होंगे तो कितनी मेहनत लगती है बाल बढ़ाने में, तो बाल बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार, काटने में बिल्कुल नहीं लगती है। तो इसी वजह से मैं नहीं काटूंगी अपने बाल, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं मेरे हेयर्स मेरे लिए, और मतलब बहुत मेहनत से बढ़ाया है मैंने, तो इसी वजह से मैं तो काटने का सोच भी नहीं सकती उसे। मैं जब भी काटने के लिए जाती हूँ ना, तो सिर्फ बोलती हूँ भैया को कि ट्रिम करो, सिर्फ थोड़े से भी, मतलब ज़्यादा बाल काट देना तो मैं टेंशन में आ जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है मुझे, मतलब बढ़ाने में मेहनत लगती है और काटने में बिल्कुल नहीं, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा टेंशन में आ जाती हूँ ज़्यादा, थोड़े से भी ज़्यादा बाल काट दे तो। और यहाँ पर फ्रंट लुक अच्छा दे रहे हैं वो, एक्चुअली वो बोल रहे थे कि फ्रंट लुक दे देता हूँ, बट बैक से तो ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि बैक से सिर्फ ट्रिम करना है बोल रहे थे। बैक से अगर करूँगा तो वो भी हो जाएगा, मतलब लेंथ भी कम हो जाएगी और बिल्कुल लुक चला जाएगा वो कलर का, तो इसी वजह से उन्होंने बैक से सिर्फ ट्रिम किया है, थोड़ा थोड़ा सा काटा है, और आप देख सकते हो अभी बाल मेरे कैसे लग रहे हैं। ज़रूर बताना कमेंट करके आपको पसंद आया कि नहीं। घर पे आते ही मैं आपको दिखाती हूँ क्या कर रही है। कॉपीराइट येऊन जाणार, थोडा वेळ थांबा। नाही नाही असं काही नाही, मी फक्त दाखवलं तुम्ही गाणे म्हणून राहिले म्हणून। देखो अभी आप कल बोल रहे थे ना कि शाइन नहीं कर रहे, अभी शाइन कर रहे। अभी शाइन शाइन कर रहे, बढ़िया से एकदम। हां कैसे लग, नहीं नहीं बताओ ना अच्छा लग। और हेयर कट कैसा लग रहा है? वो बोल रहे थे कि ज्यादा आप, मतलब ज्यादा लुक दोगे तो इसमें ऐसे ही अच्छा लगता है, ज्यादा आप करोगे तो उसका लुक चला जाएगा, इसी वजह से मतलब कलर का लुक चला जाएगा। नहीं अच्छा तो लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है कि पीछे से? हाँ ठीक अच्छा लग रहा। एक मिनट आप दिखा दो मेरे कैसे लग रहे, तो आप सबको दिखा दो ना, आप कैमरा लेके कैसे लग रहे थे। हाँ देख लो आप कैसे लग रहे, तो सच सच बताना। लेकिन ये क्या गिर गया यार टी शर्ट पे, चमक अच्छा अभी ठीक लग रहा है। हाँ चमक आ गई। हाँ। आप तो कल बोल रहे थे कि नहीं चमक नहीं आई है, आज चमक है ना ये। हाँ? अच्छे लग रहे ना? हाँ एकदम। चलो स्मूथ स्मूथ, लेकिन अभी इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। नहीं कैरेटिन का, लेकिन कैरेटिन का जो ये है ना शैम्पू अलग से लेना पड़ेगा बोल रहे थे, बट अभी इतने से ही बालों के लिए बोल रहे थे जाने दो। अरे यार अद्विक का तो हमेशा वैसे ही रहता है, उसका काम करके दो फिर बाद में दिखाना। बोल रहे थे कि इतने, मतलब हाफ में किया है ना कैरेटिन, तो इसी वजह से वो बोल रहे थे कि हाफ में फिर स्मूथनिंग, हाफ में कैरेटिन, और स्मूथनिंग का मेरे पास वो है
पहले ही आपको बताया था मैंने कि पूरा कंडीशनर सीरम और शैम्पू मैं अलग से यूज़ कर रही हूँ, तो वो है, तो इसी वजह से मैंने वो कैरेटिन वाला नहीं लिया। वो भी बोल रहे थे कि जाने तो वो ही यूज़ करो। तो आपने देख लिए बाल कैसे लग रहे हो, और ज़रूर बताना हेयर कट कैसा लग रहा है और हेयर कलर कैसा लग रहा है, तो मतलब पूरा लुक कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे सुनने के लिए कि कैसा लग रहा है, आपको पसंद आया कि नहीं। मुझे तो पसंद आया एक्चुअली, मतलब कुछ भी नया करते हैं तो पसंद आता ही है यार, और पैसे भी जाते हैं तो थोड़ा सा लगता ही है। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और मैं जब भी बोलती हूँ छोटा सा ब्लॉग, तो अद्विक पीछे से बोलता ही है कि छोटा सा नहीं मोटा सा ब्लॉग। एक मिनट। तो चलिए फिर मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोनों चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एक चैनल मराठी चैनल है और एक दूसरा चैनल है जिसपे मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, वीडियो रिलेटेड टिप्स, वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। और मैं इतनी बार बोलती हूँ आपको इंस्टा का लिंक, बट आप फॉलो नहीं करते हो यार, तो चलिए फिर फॉलो कर देना इंस्टा पे भी। देखो आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। माही बाय करने आओ और अद्विक बाय करने आओ, बाय बाय। अरे माही का हेयर कट, माही का हेयर कट बता देना माही। बाय बाय। गिंद्रा का मोजरा यार, इसकी हिंदी आप लोगों को पसंद आती है। इसकी हिंदी तो हमें सच में किसी को भी हंसा देगी, इसकी हिंदी मोजरा। तो चलिए फिर बाय, टेक केयर।